देखिए मुफ्ती वाहिद कुरैशी साहब, एक तो गलत बोल रहे हैं, ऊपर से झूठ भी बोल रहे हैं। नमाज जनाजा में सूरत अल फातिहा पढ़ना जरूरी है? जरूरी नहीं है। अगर कोई बतौर दुआ फातिहा पढ़ना चाहते हैं पढ़ ले, लेकिन ये जरूरी नहीं है। बल्कि सही बुखारी में है कि एक बार एक सहाबी ने सूरत फातिहा पढ़ी तो सब देखने लगे। तो उन्होंने कहा ये तरीका भी है, तो जो सब देखने लगे इसका माना ये आमतौर पर तरीका राइज नहीं था, तभी सब देखने लगे। इसको दलील नहीं बनाया जा सकता। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फऔज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो मेरे भाइयों, वीडियो देखा आपने जिसमें मुफ्ती वाहिद कुरैशी साहब को एक सवाल हुआ कि जनाजे की नमाज में सूरह फातिहा पढ़ना चाहिए यानी ज़रूरी है या नहीं। तो मेरे भाइयों, मुफ्ती वाहिद कुरैशी साहब ने साफ साफ इनकार किया कि सूरह फातिहा जो है जनाजे की नमाज में पढ़ना ज़रूरी नहीं है। तो मेरे भाई, वो जन्नत के 8 दरवाजे के निस्बत से मैं 8 अहादीसें दूंगा जिसमें ये साबित होता है कि जनाजे की नमाज में सूरतुल फातिहा पढ़ना सुन्नत है। तो मेरे भाई, वो बिल्कुल लास्ट में एक ऐसा जवाब दूंगा, लास्ट में जो हदीस है वो ऐसी हदीस है कि पूरी हनफियत को हिला के रख देगी, उसका कोई जवाब नहीं है। तो मेरे भाई, पहला बात यह है कि मुफ्ती वाहिद कुरैशी साहब ने जो कहा कि एक सहाबी ने सूरह फातिहा पढ़ी जनाजे की नमाज में तो लोग ने उनको देखने लगे, तो मेरे भाई ये बिल्कुल ही झूठ बोले। वो हदीस जो है मैं आपको पूरा बिट बाई बिट पढ़ के सुनाता हूँ। तो मेरे भाई, ये हदीस है सही बुखारी की 1335 नंबर हदीस है जिसमें रावी बताते हैं कि मैंने जनाजे की नमाज इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पीछे पढ़ी तो उन्होंने सूरह फातिहा बुलंद आवाज़ से पढ़ी और फिर फरमाया कि तुम्हें मालूम हो जाना चाहिए कि यही तरीका नबवी है। तो मेरे भाई, वो मुफ्ती वाहिद कुरैशी साहब ने यहाँ पे झूठ बोल रहे हैं कि ये बता रहे हैं कि लोगों ने उनको देखने लगे फिर जो है वो बताए कि ये तरीका भी है। ऐसा बिल्कुल ऐसा नहीं है, बल्कि इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नमाज जनाजा जो है सूरह फातिहा जो बुलंद आवाज़ से पढ़ के फिर फरमाया, उन्होंने पढ़ा और फिर फरमाया कि तुम्हें मालूम हो जाना चाहिए कि ये तरीका नबवी है। तो मेरे भाई, इससे पता चला कि जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं वो लाइल्मी की वजह से नहीं पढ़ रहे हैं, ये नहीं कि वो तरीका मौजूद था, वो लाइल्मी की वजह से पढ़ रहे हैं और इब्ने अब्बास जो बता रहे हैं उनको वो इसलिए बता रहे हैं कि लोग पढ़ नहीं रहे हैं, उनको पता नहीं है कि वो पढ़ रहे हैं, इसके लिए वो बता रहे हैं कि तुमको मालूम हो जाना चाहिए ये तरीका नबवी है। तो मेरे भाई, यही तरीक जो है ये जो तरीक है इसका तरीक बहुत सारा तरीक आएगा, सब में यही अल्फाज तकरीबन यही अल्फाज आता है कि जो है ये तरीका जो है सुन्नत है। वो पढ़ाए सूरह फातिहा, जो है सूरह फातिहा पढ़ी नमाज जनाजा में और फिर बाद में तकरीबन सारे राबी जो है यही बात बताए कि ये तरीका जो है सुन्नत है। किसी ने बताया ये तरीका हक है, किसी ने फरमाया कि ये तरीका सुन्नत है। बाकी ये सारी अहादीसें मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, आप जो है उसे देख सकते हैं। तो मेरे भाई, अब आते हैं आखिरी हदीस की तरफ जो सुनन इब्ने माजा का 1496 नंबर हदीस है जिसमें उम्मे शरीक अंसारिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज जनाजे में हुक्म दिया सूरह फातिहा पढ़ने के लिए। तो मेरे भाई, यहाँ पे हुक्म है, नहीं कि ये जो है किसी का तरीका, जो मुफ्ती वाहिद कुरैशी साहब बताते हैं कि तरीका ये भी था वो भी था, ऐसे जो लोगों को बहका रहे हैं ना, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। जबकि इस रिवायत में ये हुक्म है, मतलब कि ये हुक्म है कि सूरह फातिहा जो है वो नमाज जनाजे में पढ़ो। यहाँ पे जायज है नाजायज है वो सब वो तो बात की बात है, मुफ्ती साहब बताते हैं कि जायज नहीं है, तरीका जो है जायज नहीं है, नहीं पढ़ना चाहिए, ये सब बात की बात है। यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि नमाज जनाजा में सूरह फातिहा पढ़ो। तो मेरे भाइयों, ये जो है ये कुछ अहादीस है मैंने आपको बताई, अल्लाह सुबहानहू तआला से दुआ है जो बात मैंने हक कही उसको सुनकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, जो बात गलती से जज्बात में मेरे जवान से निकल गई अल्लाह ताला उसको हमारे दिलों से माफ़ कर दे, हमको कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।